तो गाइज आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाले जो आपको YouTube पे आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। आपकी वेबसाइट नई हो या पुरानी हो, आपको भर भर के टॉपिक इस ट्रिक के माध्यम से मिलने वाला है। ओके, गूगल खुद आपको कुछ ट्रिक बताता है कि इससे आप काम करो जिससे आपको जो है अच्छा खासा ट्रैफिक आ सकता है या फिर अच्छे खासे आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। ओके, गूगल खुद आपको कुछ सजेस्ट करता है जो हम ध्यान नहीं देते या फिर जो नए लोग रहते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि किस तरह से काम करना है। ओके, तो यही जो गूगल हमें सजेस्ट करता है उसी के बारे में मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। तो आज आपको जो है फ्री में ट्रैफिक मिलने वाला है गूगल की तरफ से। आज मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से प्रोसेस करना है जिससे आपको भर भर के ट्रैफिक आएगा। अगर आपकी न्यू भी वेबसाइट है तो आपने किस तरह से इंप्लीमेंट करना है जिससे आपसे गूगल का जो है ट्रैफिक आ सके ऑर्गेनिकली। आप चाहे ब्लॉगर यूज कर रहे हो या चाहे आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, ओके, आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट हो आपको जो है ऑर्गेनिकली ट्रैफिक इससे मिलेगा। ओके, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से करना है उसके लिए आपको जो है पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किसी भी तरह का मिस नहीं करना है जिससे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। ओके, उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो हेलो गाइज, क्वेश्चन आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ से आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो माय हब, उसके बाद सेव, उसके बाद परफॉर्मेंस। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से उसके ट्रैफिक आता है, कितने इसमें सर्च आप देख सकते हो, कितने सर्च क्लिक हुए, उसके बाद सर्च इंप्रेशन कितने हुआ, आर्टिकल कितने सबमिट किए। ओके, और कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, तो आप देख सकते हो 60 क्वेश्चन का आंसर दिया है, आर्टिकल्स आप देख सकते हो 38 है। ओके, और सर्च इंप्रेशन देखे तो 23.5 के। ओके, उसके बाद सर्च क्लिक्स आप देख सकते हो 2.24 के। ओके, उसी के साथ अगर आपको और एक दिखा दो तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जो क्वेश्चन है 465 जो क्वेश्चन का आंसर दिए है। ओके, सर्चेज आप देख सकते हो क्लिक कितने हुए और इतने सारे इसमें जो है क्लिक आ रहे थे। ये बहुत सारे न्यू फीचर्स है गूगल के, तो आपको जो इस पर भी काम करना चाहिए। ओके, तो ये किस तरह से करते हैं हम आप जो प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल के ऊपर। ओके, सबसे पहले मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन हब। ओके, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख दिया क्वेश्चन हब। ओके, तो सबसे पहले ये जो ओपन आता है, सबसे पहले जो लिंक है इसे आपने क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, अगर आपने पहले से लॉगिन किया था यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, या फिर आप नए हो इस पर तो आप जो साइन अप पे क्लिक कर देना आपने। ओके, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपकी ऑलरेडी पहले से वेबसाइट होगी तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ से साइन अप या लॉगिन किया होगा तो यहाँ पर दिखाई देगी। जो भी आपकी वेबसाइट है आपको जिसे भी करना है या यहाँ से दिखाई दे रहा था, आप इसे जो इस तरह से टिक मार कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आपके इसमें अगर नहीं होते यहाँ से ऐड पे क्लिक कर आप जो है न्यू यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके, ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप देखोगे कि जो लैंग्वेज है आपकी, जो भी लैंग्वेज है वो इंग्लिश अगर रखना है तो आप रख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन लैंग्वेज, अगर आप क्वेश्चन आंसर हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हो, आपकी वेबसाइट अगर हिंदी में है तो आप हिंदी रहने दे सकते हो, या फिर आपकी अदर्स कोई होगी या फिर आप कन्नड़ या कुछ हो सकते हो अगर कर सकते हो तो यहाँ से ऐड भी लैंग्वेज कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप नीचे देखते हो, अगर आप यूएसए से हो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। तो अगर मैं यूएसए को टारगेट करता हूँ तो यहाँ से चेंज कर यूनाइटेड स्टेट लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ से आप क्वेश्चन हम ए वाला अपडेट तो यहाँ से आप क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सिंपल सा ग्रेड एसेस पे क्लिक करना है। ओके, इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से यहाँ पर परमिट मांगेगा, आपने कंटिन्यू कर देना है। ओके, कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हो लोड लेगा और ये से आपको यहाँ पर पूरा आपको जो है परमिशन मांग लेगा, और उसके बाद आपको पूरा आपका जो है यहाँ पर आपके सब एक्टिविटीज यहाँ पर समरी आपको दिखाई देगी। ओके, अगर आपके यहाँ पे कोई भी डाटा होगा तो यहाँ पर आपको पूरा डाटा दिखाई देगा, कितनी यहाँ पर व्यू आए, कितने काउंट आए, सब कुछ यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। ओके, मेरे सब फ्रेंड्स पर जो आपका मेरा जो सब्जेक्ट है, आपका कुछ भी हो सकता है, आपका जिस पे भी आपका नीच होगा उसमें आपने यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट थोड़े से सिलेक्ट कर लेने हैं। सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल हाउ टू यहाँ पर डाल लेता हूँ। ओके, हाउ टू डालने के बाद यहाँ पर एंटर करता हूँ।
ओके, एंटर करने के बाद आप देखोगे यहाँ से मैं हाउ टू सर्च के लिए, सर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ कीवर्ड आ रहे थे, यहाँ से इसे आपने फॉलो करना है। ओके, अगर यहाँ से फॉलो करते हो आप, ओके यहाँ से फॉलो करते हो, यहाँ से फिर से आप फॉलो करना है आपने। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो समथिंग ट्राई रॉन्ग, तो आपने क्या करना है यहाँ से रिफ्रेश कर देना है, ये आपका फॉलो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश करता हूँ मैं। ओके, यहाँ से सिंपल सा आपने पहले फॉलो कर लेना है। ओके, फॉलो करने के बाद यहाँ से आपने रिफ्रेश कर लेना है। ओके, तो आप देख सकते हो वर्किंग हो चुका है, फॉलो हो चुका है। ओके, इसके बाद आपको जो भी कीवर्ड आपके वेबसाइट में होगी, जो भी नीश होगी आपने, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसे यहाँ से डाल लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जॉब्स, मेरा मेन कीवर्ड है जॉब्स। ओके, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। इसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पहला कीवर्ड आ चुका है। फिर से इसे मैं फॉलो करता हूँ यहाँ पर जाके। ओके, यहाँ पर लोड लेगा, यहाँ से मैंने फिर से इसे फॉलो कर दिया। ओके, जॉब, उसके बाद मेरा अगला कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं बैंक जॉब ढूंढ रहा हूँ शायद, बैंक जॉब्स। ओके, तो मैंने यहाँ से बैंक जॉब्स कर लिया और फिर से सर्च कर दिया। ओके, बैंक जॉब सर्च करने के बाद यहाँ से फिर से कीवर्ड आ चुका है। ओके, यहाँ से फिर से मैंने फॉलो कर दिया। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ 3 ही आपको बता दिए। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर आप इस तरह से आप देखोगे लेफ्ट साइड में ये आपके आ चुका है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से लेफ्ट साइड में देखोगे आप जो भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए उससे रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर जॉब पोस्ट आ जाएगी। ओके, आप देख सकते हो इस तरह से आपको करना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ मैं। ओके, यहाँ से आपने देखा कि इस तरह से आपका जॉब पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पर, पूरा क्लीन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, आपका जो भी नीश है, फॉर एग्जाम्पल आप शेर शायरी, तो आप शेर व शायरी का डाल सकते हो, सैड शायरी या फिर लव शायरी, इस तरह से कीवर्ड आपको आ जाएंगे। ओके, उसके बाद मेन आ जाता है आपको किस तरह से आप पोस्ट कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको एक दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ये है, ओके, एक आर्टिकल है गूगल जॉब, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, उसके बाद इसका टाइटल मैं यहाँ से लेता हूँ। ओके, यहाँ से इसका टाइटल ले लेता हूँ, इस तरह से कॉपी करता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद आपका जो भी टाइटल होगा आपने कॉपी कर लेना है। ओके, फिर से आ जाना है इस गूगल के इसके ऊपर। ओके, यहाँ से मैंने पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो आपने देखना है इसके अंदर क्वेश्चन के आपके रिलेटेड कौन सा जॉब है जिसे आप पोस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कीवर्ड आ रहा है इस तरह से। ओके, तो इसे मैं एक्सपांड कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई क्वेश्चन है क्या। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो आपने आपकी यहाँ पर आपकी URL डाल देनी होती है। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई है क्या गूगल जॉब का रिलेटेड, गूगल व्हाट इज जॉब फॉर मेंटल, उसके बाद गूगल रिक्वायरमेंट 3 चीज, ये भी नहीं है। ओके, व्हाई डस, ये भी नहीं है। ओके, गूगल नहीं, देर इज जो स्पेशलिस्ट सर्च, वाई गूगल इंजीनियरिंग नहीं, ये भी नहीं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल रिलेटेड आपका कुछ जॉब के रिलेटेड कुछ है क्या। ओके, गूगल शुड हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर जॉब्स। ओके, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो चलो मैं इसे क्लिक कर दूँ। आपको जो भी वो आपके रिलेटेड कुछ मिलता है तो आप इसे यहाँ पर उसके जाकर आप जो है इसे क्लिक कर दो, या फिर हाउ क्विक माई जॉब इन गूगल इस तरह से, या फिर आपके जो भी आपके नीश के रिलेटेड या फिर आपके टॉपिक के रिलेटेड यहाँ से सर्च कर लेना है। ओके, तो यहाँ से मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है। ओके, प्लेटफॉर्म उसे तो मैं इसे क्लिक कर दूँ। इसके बाद क्या करना है, आपका जो भी आर्टिकल से उसका URL यहाँ से लेना है। ओके, जो मेरा इसका आर्टिकल का URL ये है। ओके, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ मैं। ओके, आ जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। ओके, सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इजीली सबमिट होगा। फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल चुका हूँ, आर्टिकल सबमिट कर चुका हूँ। और कुछ देर के बाद आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सर्च इंप्रेशन भी आएगी और सर्च क्लिक भी जितने हो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर काम करना है, इस तरह से आपने जो है इसके ऊपर आर्टिकल पोस्ट करते जाना है आपके वेबसाइट के रिलेटेड। ओके, इस तरह से मैंने इस पर पोस्ट कर दिया। ओके, तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो कुछ भी आप डालोगे आपके वेबसाइट पे वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है। ओके, इस वेबसाइट पे मैं अगर लॉगिन कर चुका हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट में आपका FAQ का सेक्शन डालना है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, FAQ के लिए आप जो एक प्लगइन भी डाल सकते हो। ओके, जो भी आपको डालना है, यहाँ से जाता हूँ मैं प्लगइन के ऊपर, यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड न्यू। ओके, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ FAQ।
ओके जैसे मैं एफयू कर डालता हूँ, सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे एफयूक्यू अकॉर्डिंग भी आ रहा है। ओके तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है जो भी आपको पसंद आता है इसके अंदर से। ओके तो मैं पहले वाला एक्टिव कर लेता हूँ। ओके डालने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो इसका जो है इंस्टॉल हो चुका है। ओके तो मैं देखता हूँ ये कहाँ पर आया है, आपने क्लिक करना है अकॉर्डिंग पे। ओके यहाँ से आप देख सकते हो अकॉर्डिंग का यहाँ पर आपने जो है प्लगइन यहाँ पर डाले, आपने क्या न्यू अकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। ओके न्यू अकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो भी टाइटल है, जैसे कि हमारा ये टाइटल था ओके जॉब वेबसाइट, यहाँ पर आपने जो भी डाला है यहाँ से आपने उसे कॉपी कर लेना है। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा ये क्वेश्चन था जॉब्स, ओके गूगल जॉब्स, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। ओके और इसके अंदर एक पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है वो डाल लेनी है। ओके यहाँ से मैं यहाँ पर जाता हूँ, थोड़ा सा इसका आंसर डाल लेता हूँ इस तरह से। ओके यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपके फिर से डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ से पेस्ट कर देना है। ओके इस तरह से आपने डाल लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, ओके जो है एफएक्यू नाम देता हूँ। ओके एफएक्यू देने के बाद यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो कोड है यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है आपके फिर से आपके पोस्ट के अंदर। ओके यहाँ से मैं फिर से जाता हूँ न्यू पोस्ट। ओके उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ एडिट के अंदर। ओके इसके बाद आपको सबसे नीचे यहाँ इसे डाल लेना है। ओके यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर इसे मैं डाल लेता हूँ। ओके ये डालने के बाद मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद आप देखोगे यहाँ से इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये नीचे इस पोस्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके ये जो पोस्ट है इसे व्यू कर लेता हूँ। ओके और यहाँ से आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से आया होगा नीचे एफएक्यू। ओके ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफएक्यू का सेक्शन आ चुका है। इस तरह से इसके अंदर आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। ओके तो यहाँ से आपने देखा जो भाई आपने टाइटल डाला था प्रॉपर डालना है, यहाँ पर आपने दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक किए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो अकॉर्डिंग नाउ है यहाँ से आपने पहले इसे कॉपी पेस्ट प्रॉपर करना है। ओके यहाँ से आता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ अकॉर्डिंग के अंदर। इसके अंदर आपने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देकर रखना है। ओके यहाँ से फिर से जाता हूँ एडिट के अंदर, इसके अंदर जो भी आपने नाव डाला था प्रॉपर डालना है। ओके आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सिर्फ टाइटल डाल दिया था गूगल और उसके अंदर आगे वैसा ही था, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है पूरा जो है यहाँ से निकाल देना है फिर आपका डालना है। ओके इसके बाद जो अगले हैं आपने जो एक दो और बना लेना है। ओके ये होगा गूगल जॉब के रिलेटेड, और आपको कुछ अलग सा बनाना हो तो वो भी आपने यहाँ से बना लेना है। ओके तो यहाँ से मैं सिंपल सा इसे फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ओके फिर से मैं अपडेट कर देता हूँ इसे। ओके अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप जाओगे फिर से रिफ्रेश करोगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके तो एक बात ध्यान रखना है, आपने जो भी आप करोगे जिसके अंदर एफएक्यू जो भी आप यहाँ से इसके अंदर पोस्ट में जो भी डालोगे तो वो आपकी वेबसाइट में होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका काम करेगा। अगर आपका एफएक्यू ये सब कुछ आप नहीं डालते हो तो आपको इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ओके तो एक बात ध्यान रखना है, आपने जो भी आप यहाँ पर डालोगे जो भी आपको पोस्ट यहाँ पर आप जो अपडेट करोगे तो यहाँ पर आपने उसे डालना बहुत ही जरूरी है। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से एक पोस्ट मैंने डाली है। अब यहाँ से बहुत सारे आपकी जितने भी आप पोस्ट डालते जाओगे उसके क्वेश्चन के आंसर आपने यहाँ से देते जाना है। ओके तो मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखाई देता है। ओके अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पर डाल दिया जॉब्स क्या है। ओके तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाई देगा, आप देख सकते हो इसके अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पर नुकसान का क्या मतलब, उसके बाद जॉब वार्निंग क्या होती है, इस तरह से ये जो है आंसर दिए होते हैं। ओके तो इससे आप जो है इस पर क्लिक करते हो तो आपके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आप इस पर क्लिक करते हो आप देख सकते हो इसका पूरा आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके तो इस तरह से आपने इसको देखा, इस वेबसाइट का ये जो है क्यू एन ए या फिर इसका क्वेश्चन आंसर ये तो गूगल में रैंक करता है। ओके तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर आंसर देते हो जो भी क्वेश्चन का आंसर का, तो इस तरह से गूगल पर दिखाई देगा ये इस तरह से क्वेश्चन आंसर, हर पोस्ट में ये होता है। ओके तो इस तरह से आपको ज़्यादा व्यू आपको इसे आप जो भर भर के टॉपिक इसके अंदर ला सकते हैं। वो बहुत ही न्यू बहुत ही जेन्युइन लोगों को पता है ये ट्रिक। ओके बहुत सारे ब्लॉगर इन्हें पता नहीं है कि आप किस तरह से इसके अंदर काम कर सकते हैं। ओके तो आप मेरे सब्सक्राइबर, मैं इसका यूज़ करता हूँ तो इसलिए आपको बता दिया कि आप किस तरह से इसके अंदर काम कर सकते हैं और बहुत सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे ला सकते हैं, आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है, बहुत सारी आप इससे अर्निंग कर पाओगे। ओके वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए।